सिदरा इलाके में सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच में मिलिटेंट्स के द्वारा फायरिंग की गई थी और सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी था। हमने आपको बताया था लगभग 2 से 3 मिलिटेंट जो है उस इलाके में जो है लगभग फंसे हुए हैं, लेकिन इस वक्त की जो खबर हम आप तक अब पहुँचाने की कोशिश करें वो ये है कि उन तीनों मिलिटेंट्स को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये सिदरा इलाके की जो आज सुबह की जो घटना थी उसके रिलेटेड जो हम आप तक खबर जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन तीनों मिलिटेंट को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों मिलिटेंट जो है ट्रक में सवार होकर जो है सिदरा इलाके में पहुंचे थे, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं थी कि किस इलाके से जो है ये कि आए थे, ये मिलिटेंट्स कहां से ट्रक में बैठे थे, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है हम तक। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी भी उस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, हर वो गाड़ी जो सिदरा इलाके की ओर जा रही है उससे जो है चेक किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि अभी भी जो है गाड़ियों को सिदरा की ओर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो भी गाड़ी इस इलाके की ओर जा रही है उससे जो है चेकिंग की जा रही है। पहले तो हम आपको तस्वीरें अभी भी दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को जो है रोका जा रहा है, उस इलाके की ओर जाने की किसी भी गाड़ी को जो है इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिर्फ एम्बुलेंस, सिक्योरिटी फोर्सेज या मीडिया पर्सन के अलावा किसी भी पर्सन को जो है सिदरा इलाके की ओर जाने की इजाज़त जो है नहीं दी जा रही है। आज सुबह से ही ये सर्च ऑपरेशन जो है जारी था। जैसे हमने आपको बताया था कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच में मिलिटेंट्स ने जो है फायरिंग करके वहाँ जो है सुबह से ही सर्च गाड़ी में भी जो है चेकिंग की जा रही है। जिस गाड़ी में जो है मिलिटेंट बैठकर आए थे पूछताछ की जा रही है। देखा जा रहा है कि उस गाड़ी में कुछ और असला बारूद जो है वहाँ बरामद तो नहीं है या रखे तो नहीं गई है और किसी बड़े हादसे को जो है अंजाम तो नहीं देने जा रहे थे ये मिलिटेंट। लेकिन अभी फिलहाल जो हम आपको बता दें कि सिदरा इलाके से जो आज सुबह से ही हमने आपको खबर बताई थी, सुबह जब धुंध का वक्त होता है उस वक्त जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटे से डिस्टेंस तक जो है कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस वक्त जो है फिलहाल धूप जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में धूप भी है। लेकिन अभी भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस तमाम उन गाड़ियों की जो है चेकिंग कर रही है, पूछताछ हो रही है। किसी भी गाड़ी को जो है आगे जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ एम्बुलेंस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियां या मीडिया पर्सन के अलावा जो है किसी भी गाड़ी को सिदरा के इलाके की ओर जाने की जो है इजाज़त नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस जगह से जो है असला बारूद जो है वो भी बरामद किया है। फिलहाल इस वक्त जो बड़ी अपडेट है वो यही है कि सिदरा इलाके में 3 मिलिटेंट्स को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है अभी तक जारी है। जम्मू से श्रीनगर की तरफ ही जा रहे थे जी। और सर इनिशियल स्टेज में पुलिस को इनपुट्स थे इसके ये नाके पे रोके गए क्या, किस तरह से इनके साथ आई कांटेक्ट हुआ? इनपुट्स नहीं थे, ये अलर्ट क्यूआरटीज थी जो हाईवे क्यूआरटीज जो होती है हमारी, उन्होंने सस्पिशियस मूवमेंट को स्पॉट किया फिर फॉलो किया और सिदरा नाके पे जब इनको चैलेंज किया गया तो इन्होंने हम पे फायर किया। किस तंजीम से ये आतंकी? तंजीम अभी नहीं बताया जा सकता, हमें तंजीम का अंदाज़ा नहीं है। अभी सर्च ऑपरेशन सर चलाया जा रहा है, चल रही शंका कि और भी आतंकी हो सकते हैं? जो ड्राइवर है उसकी तलाश की जा रही है और उसके अलावा हमें कोई और आतंकी की संभावना नहीं। ये सुबह कितने बजे सर शुरू हुआ था? यानी सुबह 7 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ। 3 टेररिस्ट को आपने कहा मार गिराया गया है, ड्राइवर कंडक्टर जो है वो भाग गए हैं स्पॉट से, जहाँ उनकी तलाश की जा रही है या पुलिस के हाथ में है? वो की जा रही है तलाश की जा रही है, वो फरार हैं? फरार हैं। इनपुट जेनरिक थे, आज जब सुबह एक ट्रक की सस्पिशियस मूवमेंट दिखी हमने उसको फॉलो किया, जो क्यूआरटी ने उसको फॉलो किया और फॉलो करने के बाद सिदरा नाके पे इसको जब रोका गया तो ड्राइवर करके टीचर्स कॉल के बाहर भाग गया। ड्राइवर ट्रक की जब तलाशी की गई तो काफ़ी भारी दिया गया, सभी टेररिस्ट जो अंदर थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, उस पर जो आग लगी थी उसको बुझाया जा रहा है और जल्दी ही हम आपको आतंकियों की एग्जैक्ट जो संख्या है वो हम बता सकते हैं।